दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर मनीष रावत के खिलाफ सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की है। यहां पर इस एफआईआर में पत्नी का भी नाम है। आपको बता दें, करीब 2.5 करोड़ की अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है इन पर, और मार्च में घूस लेने के आरोप में डॉक्टर मनीष जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था इस मामले में। तो दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर हैं और इन पर अब नया सीबीआई ने जो नई धारा है वो यहां पर दर्ज की है। आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में ये नई एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। न्यूरो सर्जन है मनीष रावत और उनकी पत्नी, और उन पर भी एफआईआर हुई है। आय से ज्यादा 2.40 करोड़ की संपत्ति रखने का आरोप उन पर लगा है। तो यहां पर एक बार फिर से डॉक्टर मनीष रावत जो है उनके खिलाफ सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की है। पत्नी का भी नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। करीब 2.5 करोड़ की अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है, और आपको बता दें मार्च में ही घूस लेने के आरोप में डॉक्टर मनीष को गिरफ्तार किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, पहले मार्च में घूस लेने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया, और अब नई जो सीबीआई की एफआईआर है उसमें क्या कुछ है? देखिए, सीबीआई ने इनको मार्च के महीने में गिरफ्तार किया था। तब एलिगेशन ये लगा था कि ये सफदरजंग अस्पताल में एक पूरा गिरोह चला रहे हैं जिसमें कई लोग शामिल हैं, और अच्छा इलाज और दवाइयों के नाम पर जो मरीज हैं उनको ठगते हैं, क्योंकि वहां पर ये एसोसिएट प्रोफेसर थे और न्यूरो सर्जन थे। इसके बाद सीबीआई ने इनके साथ 5 लोग अरेस्ट किए थे, लेकिन जब सीबीआई ने जांच की और जांच में इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी संपत्तियां हैं, इनके पास जो पैसा है उसकी जांच हुई, तो ये पाया कि जो इनकी आय थी उस आय से 70% से ज्यादा इनके पास जो है पैसा और उनकी प्रॉपर्टी मिली है। करीब 2.25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति, यानी कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास मिली है, जिसमें कई चेक हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, कुछ अचल और चल संपत्तियां हैं। तो इसको लेकर सीबीआई ने अब नया केस दर्ज किया है। ये केस जो डॉक्टर हैं उन पर और उनके साथ उनकी पत्नी पर दर्ज हुआ है, और इसको लेकर भी अब जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पर जो ये डॉक्टर हैं इनके जो लगातार एक जो कारनामे हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, और अब इन पर जो नया केस है, जो मनीष रावत हैं डॉक्टर, उन पर जो नया केस है वो दर्ज हुआ है, और इसको लेकर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। जी शुक्रिया मनीष, मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से मुकेश बता रहे हैं कि नोएडा और हल्द्वानी में संपत्ति जमा करने के इनके ऊपर आरोप है, मरीजों से रिश्वत लेने और अवैध वसूली का भी आरोप इनके ऊपर लगा है।